आज के सेशन में आपको जानने को मिलेगा कि आप फोर्सेज में सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं और सक्सेस पाने के लिए या फोर्सेज में अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए, लाखों रुपए कमाने के लिए, करोड़ों रुपए कमाने के लिए, हजारों की टीम बनाने के लिए कौन से ऐसे मूल मंत्र है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी टीम साइज बने, एक अच्छी इनकम हो। तो छह ऐसे प्रिंसिपल हैं जो आज के हमारे ट्रेनर हैं मिस्टर मुकेश जी मेहरा आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। मुकेश जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2 से 2.5 साल से हमारे साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, और पिछले 1.5 साल से फोर्सेज यूएसटी पे वो काम कर रहे हैं। 4,000+ लोगों की टीम को आज वो लीड कर रहे हैं, 25 से 30 लाख रुपए की अर्निंग कर चुके हैं और उनकी टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की इनकम की है। किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से अपनी वो टीम को लीड कर रहे हैं, वो सारी चीजें आज हम सभी लोगों को बताने वाले हैं, हम सभी लोगों के सामने वो शेयर करने वाले हैं। आशा करता हूँ सर के सेशन से आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिलने वाली है, सेशन बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो आपका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग में होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। मीटिंग के दौरान किसी का भी कॉल मैसेज आता है तो उनको इग्नोर करना है, आपका ध्यान जो है वो जूम मीटिंग में होना चाहिए। अगर आपकी इनकम नहीं हो रही है, आपकी टीम साइज नहीं बढ़ रही है, आपके डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 900 से ज्यादा लोग हमारे साथ हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ लगभग लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। कुछ लोग अभी होली का फेस्टिवल है तो लोग बिजी भी होंगे, इधर उधर रिलेटिव अपने रिलेशन में गए हुए होंगे, उस वजह से भी लोग नहीं आ पाए होंगे। तो जितने लोग आ गए हैं, अगेन आप सभी लोगों का इस दोपहर के ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के जो हमारे ट्रेनर है हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि उनको इनवाइट करें, उससे पहले आप सभी लोग एक बार हैंड रेस कर दें ताकि सर का मनोबल बढ़े और सर अपना 100% दे पाए। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर मुकेश जी मेहरा, आप आइए और आगे का सेशन आप कंटिन्यू करिए। ओके जी सर, थैंक यू सो मच नेमरा सर कि आपने मुझे इस लाइक समझा कि आज मैं इस ट्रेनिंग सेशन को कनेक्ट कर सकूं। एंड जितने भी यहाँ पे लीडर्स आए हैं आप सभी दोस्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों। एंड जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं बड़े प्यारे लोग हैं आप सभी। एंड हमारा जो सेशन है दोस्तों हाउसफुल होने वाला है, ऑलरेडी 15 से 20 लीडर हैं, तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबको आप इनवाइट कर लें, है ना। और आज के जो ट्रेनिंग सेशन को देखकर मुझे लगता है कि हाँ रियल में सच में दोस्त आप सभी इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं आप, क्योंकि तैयार होने के बावजूद भी आप अपना समय निकाल कर इस ट्रेनिंग सेशन के लिए आए हैं आप। इसका ये है कि आप अपनी लाइफ को लेके इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं आप रियल में सच में दोस्तों। तो मैं आप सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी ने मिलकर इस ट्रेनिंग सेशन को हाउसफुल किया है। तो प्लीज आप सभी दोस्तों से ये भी निवेदन रहेगा, नेमरा सर ने भी बोला है कि आप अगर इस लाइव के अंदर अगर अच्छी सक्सेसफुल हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस की हैं, तो प्लीज कोई भी इस ट्रेनिंग सेशन को मिस ना करें, मतलब कि लास्ट तक रहें आप, राइट। और बहुत सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। अगेन मैं आप सभी को बता देता हूं कि दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त मुकेश मेहरा फ्रॉम नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। एंड नेमरा सर ने बताया है कि समथिंग हमारा मेरा नेमरा जी का और रामदेव सर का समथिंग पिछले 3-3.5 साल से कनेक्टेड हैं हम तीनों और बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी हैं हमारे, है ना, और भगवान से भी कम नहीं है। हालांकि हम तीनों दोस्त की तरह रहते हैं, एक गुरु की तरह रहते हैं, सारी चीजें हम शेयर करते हैं, है ना। और फोर्साज के अंदर बात करें तो दोस्तों बीओएसडी के अंदर समथिंग 1.5 साल के आसपास हो चुका है, आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से, सपोर्ट से और बस नेमरा सर रामदेव सर की गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करते गए और आज समथिंग 4600 लोगों का परिवार है मेरा, है ना, 4500+ का मेरा परिवार बन चुका है। और देखो दोस्तों अभी जो अर्निंग की है, अर्निंग इतनी देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, अगर फोर्सेज के अकॉर्डिंग हिसाब से देखते हैं 1-1.5 साल की अर्निंग तो वो ज्यादा नहीं है, समथिंग 30 से 35 लाख रुपए की अर्निंग की है मैंने, है ना। और 30-35 लाख रुपए इतना भी नहीं होता है, हालांकि
जो हम गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 30-35 लाख रुपए, सोचने में भी हमें तो पैसा अब 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना है कि जो मैंने सोचा है उससे कहीं ज्यादा फोर्सेज ने और फोर्सेज की फैमिली ने दिया है मुझे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो भी यहाँ पे अपने आप को, जहाँ पे हम अपने आप को देखे हैं, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो उस मुकाम को हासिल भी करना चाहते हैं, है ना, 30-35 लाख रुपए की अर्निंग करना चाहते हैं, समथिंग 4-5 हजार लोगों का परिवार बनाना चाहते हैं। इवन आप उससे भी बताएंगे, आप हम भगवान से दुआ करेंगे, आशा करेंगे कि हम उससे, हमसे भी ज्यादा आप सफलता को प्राप्त करें, है ना, जो आपके सपने हैं आप जल्दी से जल्दी बुलंदी के ऊपर ऊंचाइयों को छुए, हम दुआ करेंगे। लेकिन जो आज का ट्रेनिंग सेशन है, देखो दोस्तों, आसर ने बहुत सारी चीजें भी बताई है कि किस तरीके से हमने किया है, है ना, लेकिन मैं कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ कि उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली डन है दोस्तों कि आपकी जो सफलता है, जो आपकी दूर है आपसे, उसको नजदीक आने से या फिर उसको छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, वहां तक पहुंचने तक आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो मैं पॉइंट से बताने वाला हूँ उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लास्ट मेरे इस ट्रेनिंग सेशन में, बहुत ही बेहतरीन और शानदार होने वाला है ये ट्रेनिंग सेशन, है ना। तो मेरे दोस्त, आप सभी यहाँ पे यंग पर्सन है, सबसे ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो सभी यहाँ पे यंग है, क्योंकि यहाँ पे समथिंग अगर 20 साल से लेके 30 साल के बीच में ज्यादा है, हालांकि और भी है उससे ऊपर, लेकिन हाँ 20 और 30 के बीच में है सबसे ज्यादा। तो हम अभी बहुत बड़े भाग्यशाली है कि हमें बहुत जल्द ये फोर्साज अपॉर्चुनिटी मिली और हमारे पास में बहुत बड़ा मौका है कि हम आने वाले कुछ और समय के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसी उम्र के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो हमें रास्ता भटका देती है, राइट, ऐसी हमारे पास में बहुत सारी चीजें आती है वो हमें रास्ता भटका देती है। देखो, हो सकता है आपके पास में कोई ऐसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से आप काम नहीं कर पाते हैं, राइट, ऐसी बहुत सारे लोगों के पास बीच में परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति के हिसाब से आप काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी, देखो, ये जो हमारी पीढ़ी है, ये पीढ़ी हमारे आने वाली जो 4-5 जनरेशन है उसको या तो ऊपर उठा सकती है या फिर जहां पे है उससे भी नीचे ला सकती है, है ना, क्योंकि हमारे ऊपर आने वाली जो पीढ़ी है वो टिकी हुई है। हमारे जो पीढ़ी चली गई है, हमारे माता पिता है, वो तो हमारे ऊपर सपने देखते भी हैं और हम उनके सपने पूरे करने की कोशिश भी करते हैं, राइट। लेकिन हम अभी बात करते हैं आने वाली जनरेशन और हमारी खुद की, हम खुद की यूथ, तो किस तरीके से हम इस फोर्साज के अंदर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं कि यार कुछ एक साल के अंदर अंदर हम वो हासिल कर लें कि यार एक बार, है ना, हमें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, राइट, हमें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं और आपने देखा भी होगा दोस्तों कि एक बार मुझे एक चीज ये बताइए कि रॉकेट का नाम सुना है आप सभी दोस्तों ने, रॉकेट किस किसने देखी, चाहे आपने रियल में देखी हो, चाहे आपने टीवी के अंदर देखा हो, टेलीविजन के अंदर, किस किसने देखा, एक बार हैंड रेस कीजिए। आपने रियल में भी देखा होगा, हालांकि मैंने रियल में नहीं देखा है, मैंने टीवी में जरूर देखा है दोस्तों, है ना। चलिए, बहुत मौज मस्ती के हिसाब से ट्रेनिंग सेशन को कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे यहाँ से, क्या बात है। रॉकेट किस किसने देखी है, एक बार हैंड रेस करके बताइए, समथिंग 160 लीटरों ने हैंड रेस किया है। क्या बात है, चलिए, आपने शायद उसको देखा भी है तो आपने ये भी देखा होगा कि यार वो रॉकेट कितना बड़ा होता है। आपने अगर रॉकेट को देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि यार रॉकेट बड़ा कितना होता है, कितना उसके अंदर हजारों टन होता है, उसके अंदर वजन, जो वजन होता है उसका हजारों लाखों टन होता है उसके अंदर। और आपने ये भी देखा कि सबसे ज्यादा टन अगर सबसे वजन वाला होता है तो आपने रॉकेट वाला देखा होगा, तो रॉकेट जब उड़ता है हवा में, जब वो उड़ता है तो वो जमीन से उड़ता है ना, वो उठ पाता है, तो आपने ये भी देखा होगा कि किस कारण से उड़ता है। जब रॉकेट इतना वजनदार होने के बावजूद भी वो जमीन से आसमान में उड़ता है, जो उड़ान भरता है, उसका रीजन क्या है, आप सभी दोस्तों को पता भी होगा क्या रीजन हो सकता है उसका। सिंपल प्रोसेस है मेरे दोस्तों, सेम दैट जिस तरीके से वो उड़ता है, सेम दैट हमारी ही जो उड़ान है हम उड़ सकते हैं,
हमारे जो सपने हैं वो पूरे हम कर सकते हैं। देखा होगा आपने, जब रॉकेट इतना वजनदार है, इतना टन उसका वजन है, फिर भी वो जमीन से उड़ पाता है, सिंपल है वो, सेम दैट मेरे दोस्त, इसी तरीके से हम भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने उस रॉकेट को उड़ते हुए देखा है। आपने देखा होगा कि वो जब नीचे से ऊपर उड़ता है तो उसके अंदर है ना, तो पीछे जितना प्रेशर होता है उसकी गति के हिसाब से वो उड़ता है ऊपर, जितना उसके पीछे है ना, नीचे से जो प्रेशर लगाते हैं, उसके नीचे जो प्रेशर होता है उसकी गति के हिसाब से ही वो ऊपर उड़ता है मेरे दोस्त। वे सेम डेट आपको ही वैसा ही करना है, आपको वैसा ही करना है जैसे जिस तरीके से जो उसके अंदर जो बेटा है वो उड़ाने वाला रॉकेट को, जिस गति के हिसाब से वो उड़ाता है और जिसका उसके नीचे प्रेशर डाला जाता है, सेम डेट आपके नीचे भी प्रेशर नहीं है अभी तक, आपके नीचे प्रेशर नहीं है अभी तक, इसीलिए आप है ना जहां पे हैं आप अभी, चाहे आपको 3 मंथ हुआ हो, 4 मंथ हुआ हो, 5 मंथ हुआ हो, आपने थोड़ी बहुत अर्निंग की होगी, हालांकि मैं आपको ध्यान से सुना, आपने थोड़ी बहुत अर्निंग की होगी 1-2 लाख रुपए की 3-4 महीने में, है ना। आप जितना आप सोचते हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, उसका रीजन क्या है कि आपका जो टारगेट है वो स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। आपने देखा है रॉकेट को जब बनाया जाता है ना, स्ट्रांग बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि आप बना दिया और उड़ेगा तो ठीक है, नहीं उड़ेगा तो ठीक है। उसी तरीके से ना आपकी लाइफ है, आपको यही पता नहीं है, आपने ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन रिजल्ट आएगा तो ठीक है कर लेंगे, और नहीं आएगा तो भी ठीक है चलेगा। तो फोरसाज के अंदर है ना ज्यादातर लोगों को सक्सेस नहीं देख पाते हैं हम, उसका रीजन ये है कि वो है ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके काम नहीं करते हैं। आप खुद देखो, आप अपने आप को, मैं नहीं बताऊंगा कि किसका स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है, आप खुद अपने आप को एक बार अंदर झांक कर देखिए कि यार मेरा जो टारगेट है वो यार एकदम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, पहले तो आप खुद सोचो अपने खुद के अंदर, ठीक है। या फिर आपका कुछ और रीजन हो सकता है, ठीक है, या फिर आप जब इस फोरसाज के अंदर काम करते हैं, आप इस फोरसाज के अंदर काम करते हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई एक अलग इसके साइड में कोई काम चल रहा है जिसके माध्यम से आप इसके ऊपर फोकस नहीं दे पाते हैं। आपके पास में कोई ना कोई एक ऐसा रीजन है आपके, जिसके माध्यम से आपका घर खर्चा चलता होगा, या फिर आप इवन अपना कोई दूसरा कोई काम होगा, ठीक है, उसके कारण से आप इस फोरसाज के अंदर वो काम नहीं कर पाते हैं जिसके हिसाब से, जिस लेवल के हिसाब से आपको करना चाहिए, लेकिन आप रिजल्ट वो चाहते हैं जो ऑलरेडी बड़े लोगों ने किया है, लेकिन उसके हिसाब से आप टारगेट नहीं ले पाते हैं, उसके हिसाब से आप फोकस नहीं कर पाते हैं, और उसके हिसाब से आप बेहतरीन तरीके से टीम को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग सेशन नहीं ले पाते हैं। देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं आपको दोस्तों, आपने नाम सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा, किसी से सुना होगा कि सक्सेस लव स्पीड। मैं 6 पॉइंट बाद में बताऊंगा, पहले मैं सिंपल सा फंडा बता देता हूँ सक्सेस का, ठीक है। 6 पॉइंट तक अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं दोस्तों। सक्सेस लव स्पीड, जिस तरीके से आपने एक बार या फिर कई बार आपने सॉन्ग सुना होगा, अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, यूट्यूब ऊपर आप देखते हैं, तो जिस तरीके से मेरे दोस्त बेबी को बेस पसंद है, जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद है, उसी तरीके से सक्सेस को लव स्पीड पसंद है मेरे दोस्तों। यानी कि आप अगर सक्सेस हासिल करना चाहता है आप सभी, तो मेरे दोस्त आपको स्पीडली काम करना पड़ेगा। सक्सेस हमेशा उन्हीं लोगों के पास में आती है जो स्पीडली काम करते हैं। सक्सेस उन लोगों के बीच में जाना पसंद करती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। सक्सेस उन लोगों के बीच में जाना पसंद करती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं, जो स्पीड में रिजल्ट लेके आते हैं मेरे दोस्त, स्पीड में रिजल्ट लेके आते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं अभी,
मतलब कि वो जिस तरीके से आप एक बार है ना, मैं आपको वापिस बैक लेके जाता हूँ। जिस दिन आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप उस दिन सोचिए, जिस दिन आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस दिन सोचिए क्या आपके सपने थे उस दिन, क्या आपने सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, रीजन क्या था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने का रीजन क्या था, क्या आपके सपने थे, किस सपनों का आप पूरा करने के लिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। देखो ये जो सपने आप अभी अंदर बना रहे हो ना, फालतू के सपने हैं कि मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे लाखों करोड़ों रुपये कमाना है, ये फालतू के सपने ये है ना, हर एक इंसान के होते हैं कि मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे पैसा कमाना है इतना करोड़ों लाखों, ये है ना, ये दोगलापन है फालतू के। आपके रियल सपने होने चाहिए कि हाँ मैं अपने परिवार के लिए क्या कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहा हूँ। ना घर तो सभी बनाते हैं यार, आपने आपके माता पिता ने भी घर बनाया है, रही पैसे भी वो भी कमाते हैं, लेकिन आपका मेन मकसद क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, मेन मकसद आपका मेन, इसमें आप सक्सेसफुल हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको टारगेट को पकड़ो आप अपने, कि आपका मेन पर्पज क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। पहले आप बैंक में जाइए, बैंक में जाके आप जिस दिन आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आपके साथ आपके और आपके अपलाइन के बीच में जब बात हुई थी, तो आपने एक ही चीज बोला था कि सर मुझे बताइए कि इस फोरसाज के अंदर करना क्या होगा, इनकम कैसे आती है, राइट सर, इसमें इनकम कैसे आती है और मैं कैसे इनकम कर पाऊंगा। तो आपके अपलाइन ने एक ही बात बोली कि सर आप है ना ज्वाइन करिए, मैं जिस तरीके से बताता हूँ उस तरीके से आप काम करते जाइए, बोला होगा ना, और आपने वो सुना, सुन के आपने ज्वाइन किया। देन कुछ टाइम के बाद में जो आपके अपलाइन आपको जो चीजें बता रहे थे, आपको जो रास्ता बता रहे थे, वो रास्ता भटक गए थे, आपने सुन के अनसुना करना स्टार्ट कर दिया, आपने सुन के अनसुना करना स्टार्ट कर दिया, अपने तौर तरीके के हिसाब से आपने इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने शायद हो सकता है 10 15 20 30 40 50 लोगों की, 100 लोगों की टीम बनाई होगी, तो पहले सबसे पहले आपने क्या करा, अपने तरीके से अपने टीम को गाइड करना स्टार्ट कर दिया, अपने अपलाइन के टच में नहीं लाना स्टार्ट कर दिया, खुद ट्रेनिंग सेशन में नहीं आना स्टार्ट कर दिया, टीम को ट्रेनिंग नहीं देना स्टार्ट कर दिया, पूरी टीम को जो मेन में लीडर हैं आपके सही तरीके से काम करते हैं उनको दिन में हमेशा रोज बात करना बंद कर दिया आपने, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसकी वजह से। देखो मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना आप कोई भी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ क्या होता है कि जब 40 50 100 लोगों की और 1 2 लाख रुपए की जब अर्निंग हो जाती है ना, 3 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं इंसान, तब क्या होता है पता है आपको, इंसान के अंदर ईगो पैदा हो जाता है, अरे यार मेरी 100 लोगों की टीम बन गई है, अगर 100 में से 10 लोग भी काम करेंगे ना, कहाँ दिक्कत है, करेंगे, ट्रेनिंग जाने में कहाँ जरूरत है, हमने तो टीम बना दी है 100 लोगों, अगर 10 लोग भी काम करते हैं ना कहाँ दिक्कत है, अगर महीने का 10,000 रुपये भी आ जाएगा ना तो कहाँ दिक्कत है। वो रीजन आपका जो सपने थे आपके, उसी उसी वक्त आपके मन में जो गिल्ट है, गिल्ट का मतलब गलत फहमियां हैं वो आपके अंदर जो आपने पाल रखी है, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपकी जो गलत सोच है ना, जो आपकी गलत सोच है मेरे दोस्त, देखो आपका जो देखने का तरीका है, आपका देखने का नजरिया है, क्योंकि नजर का इलाज कोई भी कर सकता है, कोई डॉक्टर के पास में जाके करवा सकते हैं, लेकिन जो आपका देखने का नजरिया है कैसे चेंज करेंगे यार। तो पहले आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप दूर कीजिए मेरे दोस्त, मैंने आपको जो बताया है, आपकी जो स्पीड है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेस उन्हीं लोगों के पास में जाती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं, तो आप प्लीज तुरंत एक्शन लेना सीखिए, और फोर सेकंड आपको सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो स्पीड में काम करना सीखिए आप, स्पीड में काम कीजिए आप। आप अगर एक बार है ना सोचिए कि आप एक बार अपने अपलाइन को देखिए, अपने क्रॉस लाइन को देखिए, अपने
अपलाइन की टीम को देखिए, आप अपने नीचे टीम को देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके एक महीने के बाद में ज्वाइन होते हैं और आपसे वो आगे निकल जाते हैं, या तो टीम में निकलते हैं या फिर स्लॉट में निकलते हैं या फिर आपके इनकम में निकलते हैं, है ना, या टीम में स्लॉट में इनकम में कुछ ना कुछ चीजों में आपसे आगे निकलते हैं। आपको इवन एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीने ज्वाइन करिए हुए हो गया, लेकिन फिर भी आप अपनी टीम का सेशन नहीं ले पाते हैं पर्सनल। 9:30 बजे अपना खुद का पर्सनल सेशन रखा करो आप शाम को, जो भी आपका टाइम है, गलत बता दिया मैंने टाइम, तो जो भी आपका टाइम है टीम का सेशन रखा करो पर्सनली। दूसरा, अभी तक आपको 3-4-5-6 मंथ हो चुका है लेकिन अभी तक आप उस लायक नहीं बने हैं कि यार आप, मैं आपको यहाँ पे गलत साबित करने के लिए नहीं आया हूँ मेरे दोस्त, लेकिन आप अपने आप को अंदर झांक कर देखिए, जिनको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने हो गए लेकिन अभी तक वो 2 बजे वाले ट्रेंडिंग सेशन नहीं ले पाते हैं। यार 100-200 लोगों के पास, मतलब कि बीच में नहीं बोल पाते, तो यार 1000 लोगों के बीच में आप क्या बोल पाएंगे। देखो सपने आपके लाखों कमाने के हैं, आपके सपने हैं कि यार मैं गाड़ी घोड़ा सब कुछ ले लूं, लेकिन आप पहले उस लायक नहीं बन पाते। सपने आपने बहुत सारे देख रखे हैं जो आपका माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन आप उन सपनों को पाने के लिए आप अपने आप को देना क्या चाहते हो, उन सपनों के लिए आप देना क्या चाहते हो। कहते हैं ना कि मेरे दोस्त, प्रकृति का नियम होता है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं वैसा ही आपके साथ में टकरा के वापस आता है। दूसरा चीज, आप ने ये भी सुना होगा कि प्रकृति के अंदर कोई भी चीज है ना, प्रकृति आपको देती नहीं है, लौटाती है हमेशा। तो आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, नहीं आते हैं, आप पहले अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि यार क्या मैं ये काम करके मेरे अपने सपने, सपनों को हासिल कर पाऊंगा, क्या अपने मेरे माता पिता को मैं वो चीजें दे पाऊंगा जो आने वाले 1 साल के अंदर मैं कर सकता हूँ, जो मैंने सोचा है। यार गाड़ी की पिक खींच के मोबाइल के ऊपर डीपी लगा के या फिर बड़ी पिक लगा के अपने घर में लगा के कोई फायदा नहीं है। बोलते हैं ना कि आप अपना अगर सपना चाहते हो तो उसकी डीपी खींच के अपनी गाड़ी की पिक हो, चाहे आपकी बाइक की पिक हो, जो भी आप बनाते हो, तो अपने घर के अंदर लगाइए तो आपको सामने रोज दिखेगी, अपना मोबाइल की डीपी पे लगाइए रोज दिखेगी। वो लगाने से कुछ मतलब नहीं होता है, उसके हिसाब से उसको पाने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा ना। देखने से क्या होता है, देखने तो भाई मैं रोज ऐश्वर्या राय को देखता हूँ, वो मेरे से शादी कर लेगी। पहले है ना आपको वो जो सपने आप पूरे करना चाहते हो उसके लायक बनिए, अपने आप को उसके लायक बनाइए। कहते हैं कि मेरे दोस्त, पहले आप काबिल बनो, काबिलियत आपके पीछे झक मार के आएगी। पहले अपने आप को काबिल बनाओ, काबिलियत आपके पीछे झक मार के आएगी। अब चलते हैं आम इस महीने के अंदर, आपको इस महीने के अंदर काम क्या करना है वो चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। देखो इस महीने की ऑलरेडी 9 तारीख हो चुकी है दोस्तों, और जो आपने शुरुआत में जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था तो आपने कुछ ऐसे सपने लिखे होंगे, या फिर हो सकता है आपने लिखा होगा कि मैं 15 डायरेक्ट कंप्लीट करूंगा, या फिर 20 डायरेक्ट कंप्लीट करूंगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की इनकम करूंगा, राइट। हो सकता है आपने उन सपनों को आप भूल चुके हैं, राइट, आप उन सपनों को भूल चुके हैं, आपने कर अनदेखा कर दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। ऑलरेडी इस महीने का 9-10 दिन निकल चुका है, 20-21 दिन बाकी है। हो सकता है आप होली की वजह से आप बिजी थे, फैमिली को टाइम भी देना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फैमिली को टाइम मत दीजिए, फैमिली को टाइम भी देना जरूरी है। आप 10 दिन इसमें बीच में आप बिजी थे हो सकता है, लेकिन अब आज से आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ उसके ऊपर आप डेफिनेटली आपको काम करना, डेफिनेट 100% नहीं मेरे दोस्त, 1000% आपको रिजल्ट आएगा, 1000% आपको रिजल्ट आएगा। अब आपको करना क्या है,
जिस तरीके से आपको काम करना। देखो पहले तो ना इस बिजनेस के अंदर है ना फोरसाज के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, आप हमेशा ध्यान से सुनना, इस फोरसाज के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो स्पीड में काम करते हैं, स्पीड में अपनी टीम को बढ़ाते हैं, स्पीड में अपनी ग्रोथ जो सारी चीजें इनकम है वो सारी चीजें बढ़ाते हैं। फोरसाज के अंदर आते ही तुरंत धमाका करते हैं मेरे दोस्त। और दूसरे वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को इनकम करते देखते हैं कि यार ये मैं क्यों नहीं कर पाता हूं, और वो है ना सारा कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, कुछ नया नहीं सीखते हैं, और हमेशा मतलब कि सुबह से लेके शाम तक 1 से 2 घंटा रील्स देखने में लगा देते हैं। आप में से ऐसे काफी सारे दोस्त होंगे जो 1 से 2 घंटा अपना टाइम खराब कर देते हैं रील्स देखने में। जाते तो हैं वहां पे प्रमोशन करने के लिए और रील्स देखना स्टार्ट करते हैं, 1 घंटा कब निकलता है पता ही नहीं चलता है आपको। फोरसेज में अच्छी टीम हवा में नहीं बनती है दोस्तों, फोरसेज में बड़ी इनकम हवा में नहीं होती है। जितने भी यहाँ पे लीडर सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, जिन्होंने ना बड़ी इनकम की है, बड़ा टीम बनाया है, या भी जो जिस लेवल के ऊपर हैं, पहले आप उनकी मेहनत को उनकी काबिलियत को देखिए। खून पसीना एक किया है दोस्तों उन्होंने। राइट, चलिए अब चलते हैं हम आगे इस 6 स्टेप के ऊपर। आपको 6 पॉइंट क्या करना है, अब आप अपना डायरी और पेन निकाल लें और इस तरीके से आप काम करिए जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका मेरे दोस्त, सबसे पहले आप ये काम करो, आप इसी मंथ के इसी महीने का है ना, मैं आपको 1-2 साल का टारगेट नहीं देने वाला हूँ, इसी महीने का सबसे पहले तो आप एक टारगेट लीजिए, ठीक है। इसी महीने का सबसे पहले एक टारगेट लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट में आप टारगेट लिख लो अपना, प्लीज जिसके भी पास में पेन और डायरी है तुरंत लिख लो आप। चलिए शायद हो सकता है आपने टारगेट जो आपका है बना लिया होगा आपने, शायद सपोज ओल्ड भी टारगेट हो सकता है आपका, न्यू टारगेट भी बनाया होगा आपने, ठीक है। चलिए इस महीने की ऑलरेडी 9 तारीख हो चुकी है आपकी, तो अब आपको करना क्या है कि इसी महीने के अंदर 20 दिन के अंदर अंदर आपको मेन चीज करनी है, आपको टारगेट लेना है। मैं अब बताने वाला हूँ आपने क्या टारगेट लिखा है मुझे नहीं पता है, अब आपको टारगेट लेना है इसी महीने के अंदर, इसी महीने के अंदर कम से कम आपके कोई भी लीडर हो, चाहे आपको 1 मंथ से प्लस हो चुका है, ठीक है, X3, X4, ट्रिप्लेक्स एंड X गोल्ड, चारों प्रोग्राम में से 2 प्रोग्राम के लेवल आपके अपग्रेड होने चाहिए जो आपको अच्छा लगे, आपका ये टारगेट होना चाहिए पहले, जो आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आप डिसीजन ले लेना, ठीक है। X3, X4, ट्रिप्लेक्स एंड X गोल्ड, चारों में से 2 प्रोग्राम के आपके एक एक स्लॉट्स, चारों में से 2 प्रोग्राम की, चाहे आपके X3, X4 के करो, चाहे ट्रिप्लेक्स X गोल्ड के करो, चाहे आप X3, X गोल्ड के करो, चाहे X4 ट्रिप्लेक्स करो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, दो चारों में से 2 प्रोग्राम के आपके एक एक लेवल अपग्रेड होना चाहिए। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक भाई साहब आपकी टीम नहीं करेगी। तो चारों में से 2 प्रोग्राम आपको एक्टिवेट करना है, देन उसके बाद में आप अभी जिस लेवल के ऊपर हैं आपको लेवल अपग्रेड करना है, आपको मैंने बता दिया है अभी, जो भी आपको अच्छा लगे अपने आपको माइंड को अपग्रेड करिए पहले, देन उसके बाद में स्लॉट्स अपग्रेड करना सीखिए आप, देन उसके बाद में इस महीने के अंदर आपको पहले आपके खुद के कितने डायरेक्ट हैं अभी उन डायरेक्ट को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, उनको भूल जाइए। आज से आज तारीख 9 हो चुकी है, तो कम से कम 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक
कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बात करता हूँ, 21 दिन के अंदर कम से कम 15 न्यू डायरेक्ट लगाने का प्रयास करिए। कितने? 15 न्यू डायरेक्ट लगाने का प्रयास करिए आप। देखो सारी चीजें आपको, सारी प्रोसेस बताई चुकी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काम करना है, ऑफलाइन के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे प्रमोशन करना है, किस तरीके से बात करनी है लोगों से, कैसे आपको जूम पे लेके आना है, उसको कैसे अपलाइन से कॉन्टेक्ट में करवाना है, सारी चीजें प्रोसेसिंग बता दी। अब मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, तो आज आपको करना क्या है, आज से कम एक नया टारगेट बनाओ कि चारों प्रोग्राम में से कोई भी दो प्रोग्राम में स्लॉट्स अपग्रेड करना है आपको, कम से कम 21 दिन में 15 न्यू डायरेक्ट लगाना है आपको, ठीक है, और आपकी जो अभी इनकम है उसको अपग्रेड करना है। आप, हो सकता है आप $1,000 की इनकम करना चाहते हो सकता है आप $2,000 की इनकम करना चाहते हो, लेकिन आपकी इनकम 1,000 से प्लस ही होनी चाहिए डॉलर से, उसे कम टारगेट मत लीजिए आप, ठीक है। और दूसरा चीज इसी के अंदर ही है, दूसरा पॉइंट मैं नहीं ले रहा हूं, इसी के अंदर ही है, आप जिस भी टीम से हैं, आप आपके आसपास के एरिया में जिस भी लीडर की एलडीपी होती है आप मिस मत करिए, आपके आसपास के एरिया में जिस भी लीडर की एलडीपी होती है तुरंत आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए, एक्टिव अपलाइन से, और जो भी प्रोग्राम होता है उसको आप मिस मत करिए। सबसे बड़ा मेन रीजन ये होता है कि हम मिस कर देते हैं, और उसी की वजह से आज आपके अंदर जो आग है वो आग नहीं बाहर निकल पा रही है। अंदर मत दबा के रखिए आप अपनी आग को। चलिए चलते हैं हम दूसरे पॉइंट के अंदर। कि आपको अब है ना, ये जो मैंने टारगेट बताया है, मैंने जो आपको भी ये टारगेट बताया है, उनमें से आपको अब ना डिसाइड करना है कि सबसे पहले कौन से टारगेट के ऊपर आपको एक्शन लेना है। आगे समझ में? दूसरा पॉइंट है आपका कि आपको अब डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से टारगेट ऊपर हमें सबसे पहले एक्शन लेना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट पकड़िए आप, तीसरे पॉइंट के अंदर आता है सेट ए टाइम लिमिट। आपको उन टारगेट को पूरा करने में कितना टाइम लगाना है, मैंने तो ऑलरेडी वो टाइम दे दिया है कि आपको 20 से 21 दिन तक करना है, लेकिन आपको सेट ए टाइम करना है अब आपको कि कितने टाइम के अंदर आपको ये टारगेट अचीव करना है। पहले कुछ भी हो सकता है आपका, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपका आता है चौथा पॉइंट। अब आप है ना इन सब को है ना, जो भी है आपका, चाहे आपका डायरेक्ट का हो चाहे आपका स्लॉट का हो, जरूर नहीं आपको अभी से स्लॉट स्टार्ट करना है, आप लास्ट में भी कर सकते हो इस मंथ के 3-4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में आप अपने टाइम को डिवाइज कर लीजिए। अब आपको है ना इस महीने के लास्ट के 15 दिन, इस महीने के लास्ट के 15 दिन के अंदर आपको फोकस करना है पूरा। अभी आप फोकस कीजिए अच्छे से, जो भी आपको करना है, आपके टीम को सपोर्ट करना है, कितने डायरेक्ट लगाना है, क्या भी करना है, लेकिन लास्ट के 15 दिन के अंदर आपके चाहे डायरेक्ट हो चाहे आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट हो, कम से कम आपके टीम के अंदर, नीचे से नीचे नहीं, मैं नीचे से नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, आपके चाहे आपके डायरेक्ट हो खुद का पर्सनल और चाहे आपके पर्सनल डायरेक्ट के डायरेक्ट हो, कम से कम आने वाले 20 दिन के अंदर 15 न्यू ज्वाइनिंग होनी चाहिए भाई। 15 डायरेक्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं अपने, आप कर पाते हैं नहीं कर पाते मुझे नहीं पता, लेकिन आपके न्यू चाहे आपके पर्सनल डायरेक्ट में हो चाहे आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट में हो, 15 न्यू डायरेक्ट लगने चाहिए आपके टीम के अंदर। ऐसा नहीं है कि डेप में चले जाओ, आप डेप में नहीं, आपके पास में, ठीक है। देन उसके बाद में आपको करना क्या है, जो आपके 15 न्यू डायरेक्ट लगते हैं, या फिर आपके लगते हो या फिर आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट लगते हो,
अब आपको ये फोकस करना है, उन 15 लोगों को अच्छे से आपको गाइड करना है, अच्छे से आपको उनको सिखाना है, अच्छे से आपको उनके ऊपर मेहनत करनी है, और आने वाले एक मंथ के अंदर अंदर, आने वाले एक मंथ के अंदर अंदर कम से कम आपको उनकी नॉर्मल से नॉर्मल कैसे भी करके परो गिड़ो मरो कुछ भी करो आप, लेकिन आपको खुद की इनकम ना देकर उस लीडर की आप कम से कम 1,00,000 रुपए की इनकम करवा दो आने वाले एक महीने के अंदर, यानी कि आपके पास में आपके बीच में पड़ा है एक मंथ। अपनी इनकम भूल जाइए आप, उस बंदे के पीछे लग जाइए आप, उस बंदे को 1,00,000 रुपए की इनकम करवा दो, डेफिनेटली डन है आपकी इनकम हो जाए। उसके ऊपर आप 100% फोकस करना सीख दीजिए आप, ठीक है। देन उसके बाद में आपका छठा पॉइंट आता है मेरे दोस्त, आप लोगों की बातों को इग्नोर करना छोड़ दीजिए, लोगों को इग्नोर करना छोड़ दो आप। जो आपको बड़ा बुरा भला बोलते हैं आप उनको एक्सेप्ट करो आप, ऐसा नहीं इस कान से निकाल, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया, नहीं। आपको जब बुरा भला बोलते हैं या फिर आप किसी भी फील्ड के अंदर, आप अभी सोशल मीडिया को आप प्रमोशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं आपको, झेल नाग मिलते हैं आपको, भाषा बड़े खतरनाक तरीके से डसते हैं आपको, ऐसे ऐसे डंक मारते हैं आपको, खुद आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो आप उन बातों को सुनिए और आपके अंदर एक डबल उत्सुकता होनी चाहिए, ठीक है। उस बंदे को बोलो सर मेरा नंबर ये है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, ज्वाइन करें या ना करें नो टेंशन, लेकिन आप मेरा नंबर सेव करके रखिए, एक महीने के बाद में हम बात करते हैं। सॉरी दोस्तों एक कॉल आ गया था। ओके जी नेमरा सर, मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना वापिस? हाँ जी सर आ रही है। ओके सर जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए अब आपको करना क्या है कि जितने भी लीडर्स हैं आपके, जो भी आपको बुरा भला बोलते हैं, उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए और इग्नोर मत करिए आप उनकी बातों को। आपके अंदर डबल उत्सुकता होनी चाहिए, आपके अंदर है ना डबल आग पैदा होनी चाहिए कि अब है ना मुझे जो जिन लोगों ने बोला है उनके नंबर सेव कर लो आप, पर्सनली मैसेज कर दो, उनको बोलना कि सर हम एक महीने के बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे लिए आज इतना ही, और मैं आप सभी दोस्तों को एक छोटी सी शायरी के हिसाब से, छोटी की शायरी को बोलकर मैं अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहूंगा। हो सकता है मेरी जो बातें हैं आपको अच्छी लगी होगी, अगर किसी का भी मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ कर देना दोस्तों, मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि आपके दिल को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन हाँ जो जिस चीजों के ऊपर आप अगर काम करते हैं डेफिनेटली डन है मेरे दोस्त, आने वाले सिर्फ 90 दिन मेहनत कर लो आप, ये जो मैंने चीजें बताई उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से आप जिस लेवल के ऊपर है मेरे दोस्त, आप बहुत जल्द उभर के ऊपर आने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिए मेरी एक छोटी सी शायरी है कि बुझी समा भी जल सकती है तूफानों में, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। तो थैंक यू सो मच नेमरा सर, आइए आप आगे सेशन को कंटिन्यू करिए सर। जी नेमरा सर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, तो आगे आइए आप सेशन को कंटिन्यू कीजिए सर। आप शायद हो सकता है नेमरा सर के पास में आवाज नहीं जा रही है, तक वो आ गए हैं सर के। चलिए नेमरा सर अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो चलिए यहाँ पे सर, थोड़ा सा कॉल आ गया है। थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। रियल है जो व्यक्ति का लक्ष्य नहीं गोल नहीं, उसकी जीवन पूरी तरीके से गोल गोल है और वो चक्कर खाते घूमता है। तो दोस्तों अगर आपको सफल होना है तो सर ने जो पॉइंट बताए हैं पूरे 6 पॉइंट को जीवन में रियल में 90 दिन तक आप उतार लीजिए। 90 दिन के बाद जो 10 दिन और बचा है, 100 दिन 100 पूरा करने में, वो 10 दिन आपको वो रिजल्ट देगा जो 90 दिन आपने सीखा है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे को होस्ट हैं, सबको हम
उनको भी सुनते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और हमारे बीच यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं, सुनते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा नीरज राजपूत सर है। नीरज जी, अगर आपको मेरा आवाज बिल्कुल क्लियर है तो अनम्यूट योर माइक एंड। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच नेमराज सर, थैंक यू सो मच मुकेश सर, जो आपने इतना शानदार नॉलेज दिया, इतनी शानदार बात बताई। सर जैसे आपने बताया कि हम मेहनत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सर ने जो जो चीज़ें बताई वो हमें इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सीख तो लेते हैं, बस अब उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है और अपलाइन की बातों को मानते रहना है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत पहले पुराना टाइम का छोटा सा उदाहरण है, मुझे उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं युद्ध तो नहीं लड़ सकता, बस मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, अगर आप तुम मेरे कहने पे चलते हो या उन गाइडेंस को ध्यान रखते हो और उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम इस युद्ध को जीत सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, चाहे लड़ो चाहे ना लड़ो, चाहे तुम कर्म करो अपना या ना करो। बस उन्होंने उनको गाइडेंस दिया था, क्योंकि बस उन्होंने उनको गाइडेंस दिया था और उस गाइडेंस पे लगातार वो चलते रहे। उन्होंने उनकी एक भी बात ऐसा नहीं कहा, उन्होंने उनकी एक भी बात पे कि आप गलत बोल रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये कुछ भी, मतलब उन्होंने लगातार उनके गाइडेंस पे चलते रहे और लास्ट में उन्होंने जीत भी हासिल करी। सेम ही हमारे अपलाइन होते हैं। अभी इस बिजनेस में आपको मैं बता देना चाहूंगा, अपलाइन चाहकर भी हमारा बुरा नहीं चाह सकते। आपको मैं बता देना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपको फायदा होगा तो आपके अपलाइन को फायदा होगा, अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपके अपलाइन को बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आपके अपलाइन आपको जो बताएंगे वो डेफिनेटली आपके फायदे के लिए ही बताएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा अच्छी बात और अच्छी चीज ये है कि हम जब भी बढ़ते हैं, हम जितना ज्यादा लोगों का अच्छा करते हैं उतना ही हमारे साथ अच्छा होता है, मतलब हम जीतते हैं तो हमारी टीम जीतती है, तो हम डेफिनेटली जीत जाते हैं। सेम ही हमारी कंडीशन होती है, तो यहाँ पे हमें अपनी टीम पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और अपने आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं जिसके जरिए बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अभी आज कल ही की एक न्यूज थी, समथिंग 8 करोड़ लोग इंडिया में इंस्टाग्राम और फेसबुक सिर्फ टाइम पास के लिए चलाते हैं और डेली समथिंग 60 लाख से ज्यादा रील अपलोड करते हैं, जिनसे उनको 1 रुपये की भी कमाई नहीं होती है। पर इस बिजनेस में सेम ही काम करके आप यहाँ से 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। तो सेम ही है कि हमें यहाँ पे सीखना है, हमें यहाँ पे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, लोगों की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, कहीं से भी हमें 30-40 डायरेक्ट तो मिल ही जाएंगे अगर हम लगातार ढूंढते हैं। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल ही जाते हैं, तो हमें ढूंढने से ही लोग मिलेंगे। इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, जैसा मुकेश सर ने कहा है, सर जी ने कहा है, वैसा ही हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 90 दिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं कि जब पत्थर पे भी चोट लगती है तो वो भी भगवान बन जाता है, तो सेम ही हमें कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना शानदार नॉलेज दिया। आगे सर मोस्ट वेलकम है, आगे आप कंटिन्यू करिए सर जी। वाह जबरदस्त सर, आपने एक बहुत जबरदस्त बात कहा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो जो व्यक्ति ना केवल अपने अपलाइन या जिन्होंने उसको ये बिजनेस बताया उसका अनुसरण करता है, एक व्यक्ति की बात सुनता है, तो वो रियल में सफल होता है। लेकिन अगर वही कोई बंदा जो है ना दुर्योधन की तरह सबसे पूछे, हैं, कर्ण से भी पूछा, शकुनी से भी पूछा और ना जाने कितने रिश्तेदारों से पूछा, वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन भटक गया। तो एक को मानो, एक को जानो और एक के हो जाओ, इसी प्रकार एक ऐसा सिस्टम है जो रियल में सक्सेस कर रहा है। तो चलिए, अगर मेरा आवाज मेरे गुरुदेव को जा रहा है, नेमराज सर को, तो प्लीज अनम्यूट योर माइक सर एंड कंटिन्यू दिस सेशन। और अगर सर अवेलेबल नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट करते हैं। वाओ, चलिए हमारे बीच में है धनराज सर, है राजस्थान से। सर आपको मेरा आवाज जा रहा है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड ओवर टू यू। अच्छा धनराज सर है महाराष्ट्र से, सॉरी धनराज जी, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? तदिन को नहीं जा रहा है, चलिए कोई ना, कंटिन्यू करते हैं। नरेश सर है हमारे पास राजस्थान से। नरेश सर
आपको मेरा आवाज आ रहा है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड ओवर टू यू। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ बिल्कुल सर। चलिए थैंक यू सो मच प्रेम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, और आप सभी लीडर का मोस्ट वेलकम इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज का दोस्तों जो ट्रेनिंग सेशन था बहुत ही जबरदस्त का था, जो मुकेश मेहरा सर ने आपको जो भी सक्सेस के टिप्स आपको बताए हैं उन टिप्स को दोस्तों आपको फॉलो अप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप भी सक्सेस हो सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों आपको पता है आज 9 मार्च हो चुका है। ठीक है, अभी लगभग मार्च मंथ में आपको पता है 30 दिन होता है। ठीक है, उसमें से 10 दिन तो आप मान को चलो ऐसे चले गए। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो आपके पास में 20 से 21 दिन बसे हैं, इस 20 से 21 दिन में आपको है ना एक बड़ा टारगेट लेना है ना, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो भी ड्रीम्स है, आईफोन लाने का हो, मोबाइल, बाइक, गाड़ी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको दोस्तों आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। ठीक है, आज से दोस्तों आपको लग जाना है, आपको टारगेट लेना है कि मुझे यहाँ पे 15 डायरेक्ट करने या 20 डायरेक्ट करने। ठीक है, डेली बेस पे आप दोस्तों डायरेक्ट में टारगेट लीजिए, जैसे परमेश्वर लाल सर डेली डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगा रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको भी डायरेक्ट में टारगेट लेना है, जितने ज्यादा दोस्तों आप डायरेक्ट करेंगे उतनी ही बड़ी दोस्त यहाँ पे आपकी कम्युनिटी बनेगी, आपकी टीम बनेगी, और उन टीम से दोस्तों आप लाइफ टाइम इनकम कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी दोस्तों सर ने ये भी बात बताई कि दोस्तों एक LDP आप जरूर अटेंड करिए है ना, मुकेश मेहरा सर ने आपको बताया कि यहाँ पे दोस्तों सक्सेस होने के लिए आपको एक LDP जरूर अटेंड करनी है ना, चाहे कोई सा भी LDP हो, आगरा LDP हो है ना, नासिक LDP हो या राजस्थान में जयपुर जैसलमेर, कोई सा भी LDP हो, एक LDP दोस्तों आपको जरूर अटेंड करना है। ठीक है, एक और अभी जो LDP है आगरा LDP में जस्ट अभी होने वाले हैं 27-28-29 तारीख को। ठीक है, जिसमें मैं भी जाने वाला हूं और हमारे मेंटोर्स रामदेव सर, नेमरा सर, पुष्पेंद्र सर, यादवेंद्र सर, ठीक है, जो भी हमारे मेंटोर्स है वो सभी दोस्तों आगरा LDP में आने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी यहाँ पे अपने बिजनेस को अगर 10x करना चाह रहे हैं तो दोस्तों एक LDP आप जरूर अटेंड करिए है ना। LDP में दोस्तों क्या होता है, वहां पे दोस्तों आपको प्लानिंग बताई जाती है कि ऑफलाइन में कैसे आपको काम करना है, ऑनलाइन में कैसे आपको काम करना है ना, सारी चीजें दोस्तों वहां पे क्या है कि आपको अच्छे से समझाई जाती है ना। तो दोस्तों आपको भी एक LDP जरूर अटेंड करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो अपलाइन से है ना, सर ने आपको एक चीज बताई है कि आपको आपके जो भी अपलाइन से जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको उनकी बातों को फॉलो अप करना है ना, वो जो भी चीजें आपको बताते हैं उन चीजों पर दोस्तों आपको काम करना है, तो ताकि दोस्तों क्या है कि आप यहाँ पे आगे बढ़ सके है ना। आपका ही अपलाइन है ना आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचेगा है ना, वो हमेशा आपके दोस्तों भलाई के बारे में सोचेंगे और आपको नए नए टिप्स बताएंगे, और उन टिप्स पे दोस्तों अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना, बाकी दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन आपको कंटिन्यू करना है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में। ठीक है, आपको डेली बेस पे यहाँ पे अच्छे से प्रमोशन करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत आगे जा सकते हैं, एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हो। ठीक है ना, तो आज का सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त था, और थैंक यू कहना चाहूंगा नेमराज सर और मुकेश मेहरा सर को और डॉक्टर प्रेम सर को, जो कि आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओवर टू यू। वाओ जबरदस्त सर, और इसी बीच में हमारे साथ हैं बहुत सारे ऐसे लीडर हैं देखिए जो हमको सुनते हैं, साथ में जानकारी देते हैं। आज इतने सारे लोग जो को होस्ट ग्रुप में आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे मोटे हस्ती नहीं रहे हैं, शुरुआत भले इनकी छोटी थी पर आज बहुत बड़ा बन के लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो इसी बीच में हमारे साथ हैं मुंबई से सोनी ठाकुर जी। मैम आपको मेरा आवाज जा रहा है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड कंटिन्यू दिस सेशन। सोनी ठाकुर मुंबई से शायद अवेलेबल नहीं है मैम, चलिए कोई ना। इसी बीच हमारे साथ जो है राहुल सर है, राहुल जी अनम्यूट योर माइक एंड कंटिन्यू दिस सेशन। राहुल जंगिड जयपुर, शायद उनको भी हमारा आवाज नहीं जा रहा है और हमारे पास अभी समय भी कम है। नेमराज सर अगर आप आ गए होंगे तो कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को, अगर आपको मेरा आवाज जा रहा है तो सर थोड़ा बिजी थे। थैंक यू सो मच प्रेम जी एंड
थैंक यू सो मच मिस्टर मुकेश जी मेहरा सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज का सेशन कंडक्ट किया। आशा करता हूँ सभी को बहुत सारी जानकारी मिली होगी, कुछ नई जानकारी आपको सीखने को मिली होगी, और जो चीजें मुकेश जी ने आज बताई है अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो तो बिल्कुल आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकता है। बाकी आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल 2 बजे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।